नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। शहडोल जिले के जयसिंह नगर परिषद में सीएमओ नीलम तिवारी के पदभार ग्रहण करते ही विवादों का सिलसिला प्रारंभ हो गया। नगर परिषद अध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों से बात करने पर बताया गया कि सीएमओ मैडम का क्रियाकलाप आते ही विवादास्पद एवं तानाशाह प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सीएमओ मैडम का क्रियाकलाप नगर परिषद के विकास कार्यों के विपरीत है। सीएमओ का मुख्यालय जयसिंह नगर होने के बावजूद मैडम शहडोल से प्रतिदिन आना जाना करती है, जिससे उन्हें मुख्यालय में पहुंचने में काफ़ी विलंब होता है। वहीं मैडम अपने मन मुताबिक समय का चयन करते हुए मुख्यालय में आती है। उनका कोई निश्चित समय नहीं है, जिससे आए दिन परिषद अंतर्गत रहवासियों एवं हितग्राहियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे शासन द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में भी समस्या उत्पन्न होने लगी है। सर, आप लोग पहले नाम बताइए और यहाँ किस पद पर हैं, आप ये बताइए। मेरा नाम अशोक पांडे जी, नगर परिषद अध्यक्ष जी। सर, ये मैडम के विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? सीएमओ मैडम जो है हमारे महानगर पालिका अधिकारी जो हैं नीलम तिवारी जी जी, उनकी व्यवस्थाएँ क्या हैं आप स्वयं देख लीजिए जी, नगर परिषद स्वयं देख लीजिए। जैसे वो सब कोई बता रहे हैं कि लेट आती है, देर से आती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जबकि पदस्थ नगर पंचायत जसमेर में है जी, उनका मुख्यालय शहडोल है, जब इच्छा होगी आएंगी, जब इच्छा होगी तब जाएंगी, लगातार दबाव देंगे। तो आपके द्वारा कभी बोला गया कि मैडम आप लेट आती हैं, क्यों आती हैं? बोला गया, 10 बार बोला गया, माननीय तैयार नहीं होते तो मैं क्या करूँ। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था आपके अप्रैल में जी 6:30 बजे से, लेकिन वो स्वयं यहाँ पदस्थ नहीं थी जी। अब माननीय मुख्यमंत्री से बड़ी यदि सीएमओ हूँ तो मैं उससे क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था अप्रैल में, तो उसमें भी पदस्थ नहीं थी वो यहाँ पर। उसके बाद नगर सेवा अभियान था, उसके द्वारा उसको मैंने बोला गलत वीडियो वायरल करने का प्रयास किया जी। अच्छा, अभी आप जबकि मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के 500 लोगों को जैसे नगर में 1,000 रुपये भेजे हैं श्रमिकों के लिए, पथ विक्रेताओं की, लेकिन न इसको मालूम अध्यक्ष को है, न इसको मालूम पार्षदों को है। अच्छा, अभी तक मतलब हितग्राहियों को कोई कुछ प्राप्त नहीं हुआ? हितग्राही के पास पैसा पहुँच गया है जी, माननीय जी मुख्यमंत्री जी भेजे हैं, लेकिन हमको बताना चाहिए ना कि पैसा कहाँ से आया है, जानकारी कौन देगा? सीएमओ देगी, उनको देना तो आदत नहीं है, 10 बार फोन लगाना उठाना नहीं है, वो अपने बी ग्रेड की सीएमओ मानती हैं। अच्छा, अभी आपने शायद कुछ रोक टोक किया होगा, तो आपके खिलाफ कुछ मुकदमा भी द्वेषपूर्ण किया गया क्या? मेरे खिलाफ सूचना दी गई है नगर सेवा अभियान में जी, 30 तारीख की बात है, वार्ड नंबर 1 की बात है, वो दबाव देकर सत्ताम का दबाव चाहते हैं जी, 45 को दबाव रहते हैं, क्योंकि लगातार प्रभार बदल रही है, लगातार प्रभार बदल रही हैं, आदत उनको हो गया है, उनको अपनी व्यवस्था चाहिए। क्या है, पहली बार जब आई तो गाड़ी और डीजल की बात की, मैंने बोला कि इतनी व्यवस्था यहाँ नहीं है, इतनी आप व्यवस्था चाहती यहाँ नहीं है, आप यहाँ मुख्यालय बनाइए, आप व्यवस्था दी जाएगी। अच्छा, तो यहाँ मुख्यालय नहीं है उनका अभी? मुख्यालय कहाँ, आप स्वयं देख लीजिए, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता, आप देख लीजिए। वो स्वयं बोलते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के दम पर नहीं आई हूँ, मैं अपने दम पर आई हूँ। उनका ना तो पोस्टर बैनर लगाया गया माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनका पोस्टर लगाया गया ना बैनर लगाया गया। अच्छा, नहीं बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सब चलाया जा रहा है, ना किसी को बताने का प्रयास किया, ना पार्षद को, ना अध्यक्ष को बुलाने का प्रयास किया, ना संगठन को बुलाने का प्रयास किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे अगर ऐसा उनका रवैया है? मैं कहना चाहता हूँ व्यवस्था ठीक रहे, यदि व्यवस्था चाहते हो कलेक्टर साहब, या कि हमारे विधायक जी, या कि हमारे प्रभारी मंत्री जी, या कि हमारे मुख्यमंत्री जी, तो ऐसी व्यवस्था को हटा दिया जाए, सही व्यवस्था लाई जाए। ठीक, क्या नाम है सर आपके? क्या नाम है? राम नाम से। किस पद पर हो आप? भरतपुर। मैडम अभी नहीं आई सीएमओ मैडम? कितने बजे आते?
क्या बच गया टाइम देखो अभी पौने दो 1:45 से यही आने का टाइम उनका डेली क्या सर आप किस पद पर हैं और अपना पहले नाम बताइए आप नाम जी अरुण कुमार द्विवेदी किस पद पर हैं आप ग्रेड दो जी सर आप ये बताइए कि यहाँ जो सीएमओ मैडम है सीएमओ थोड़ा कम संख्या में मैडम है जो सीएमओ कितने बजे आती हैं और इतना 2 बज गए अभी अभी तक नहीं आई क्या इसी तरह देरी से आती हो मैं तो खुद मैं बताऊँ मैं अक्सर उससे तो अभी तक देख लीजिए आप खुद देख रहे हैं क्या तो हम देख लिए 2 बज गए हैं अभी तक नहीं आए हैं 2 बज गए हैं अभी तक नहीं आए हैं और डेली है थोड़ा लेट आती है लेट आती है थोड़ा और उनका मुख्यालय तो यही होना चाहिए ना जयसिंहगढ़ में मुख्यालय तो यही होना चाहिए जयसिंहगढ़ में और लोग के बाद क्या है उनका व्यक्तिगत क्या है क्या है ड्यूटी जयसिंहगढ़ में कर रही है तो उनका निवास कहाँ होना चाहिए जयसिंहगढ़ में निवास अभी तो नहीं बना इनका कहाँ से आती है कहाँ से आती सड़ोट से 1.5 घंटे लग जाते हैं होंगे तो चलिए हमारे साथ इस खबर में इतना ही बाकी प्रदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए